नमस्कार दोस्तों, रियली आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई एक सोलर मॉड्यूल कैसे बनता है। जी हाँ दोस्तों, एक सोलर सेल कैसे, उसके पैरामीटर्स चेक होते हैं, उसके बाद उसका स्ट्रिंग कैसे बनता है और साथ ही में उसके मॉड्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे वो सन सिमुलेटर पे जाता है और कैसे कैसे या कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो एक सोलर मॉड्यूल बनाते वक्त देखे जाते हैं। तो दोस्तों रियली मैं एक्साइटेड हूँ। आज हम पहुँचे हैं नोवासिस की फैक्ट्री में जो कि नागपुर में है और इसका जो टोटल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट्स है और मैं रियली थैंकफुल हूँ सुशील बंसल जी का जिन्होंने मुझे परमिशन दिया उनकी फैक्ट्री को विज़िट करने का, उसमें वीडियो रिकॉर्ड करने का। मैं एक एक करके हर स्टेप को दिखाऊँगा, एक एक प्रोसेस को भी समझाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, समझें और अपने लिए एक सही डिसीजन लें। तो चलिए अब हम अपने फैक्ट्री में चलते हैं। तो गुरप्रीत जी, पहली बात तो हम धन्यवाद करते हैं आपका कि भाई आप हमें पूरा अपना ये पूरा सेटअप दिखा रहे हैं कि भाई राइट फ्रॉम सेल टू मॉड्यूल कैसे बनता है। एंड लेट्स स्टार्ट सर। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। तो गुरप्रीत सिंह जी, जैसा आपने बताइए कि भाई इसमें जो मटेरियल आ रहा है वो आपका बाहर से आप वेंडर्स जो सेलेक्टेड वेंडर्स हैं उसकी तरफ से ले रहे हैं, तो इसमें आप जो बेसिकली जो हम लोग जो कंपोनेंट देखने वाले हैं दैट इज़ अपना सेल हो गया, आपका ग्लास हो गया, आपका ईवीए शीट हो गया, पैक शीट हो गया, तो 14 जो रॉ मटेरियल है तो जो यूज होते हैं वो हम सारे ही वेंडर्स को रजिस्टर करते हुए वेंडर्स को एक स्टैंडर्ड्स है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी ले लें, लेकिन इसके क्या स्टैंडर्ड्स वेंडर्स हैं उन्हीं स्टैंडर्ड वेंडर से हम भी उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं। ये तो हो गया कि भाई आपने एक मटेरियल ले लिया। अब आपका इन हाउस जो आपने बोला चेकिंग, यस सर, वहाँ से बताएंगे कैसे? सर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपन जैसे कोई एक सेल लेते हैं वो सेल की IQC करते हैं, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल। पहले तो हमने वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी क्वालिटी चेक की, बट अब हम लेने के बाद भी उसकी IQC करते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं, दैट इलेक्ट्रिक पैरामीटर एंड विजुअली पैरामीटर। तो ये लोग टोटली 100 पैरामीटर्स पे हम उसको टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये सर टेस्टिंग लोडिंग ट्रेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्स को लेते हैं और उसको इसमें लोड करते हैं। सेल्स को लोड करते हैं सेल ट्रे में, ठीक है। तो बेसिकली सेल्स को लोड करने के बाद हम इसको रनिंग करते हैं मशीन पे, दैट इज द स्ट्रिंगर मशीन। अब आते हैं ये, दैट इज द मेन मशीन, दैट इज द हार्ट ऑफ मॉड्यूल लाइन। सबसे पहले बात आती है कि भाई जरा मशीन के बारे में बता देंगे? हाँ सर, दैट इज द स्ट्रिंगर टीम टेक्निक मशीन, जर्मन मशीन है ये बेसिकली। ये जर्मन मशीन क्या है, CT2100, दैट इज द साइकिल टाइप, मगर 2100 सेल पर आवर की ये रनिंग रन कर सकती है। 2100 सेल को ये प्रोसेस करते पर आवर, यस सर। और ये जो मशीन बेसिकली क्या कर रही है? हाँ, बेसिकली ये क्या करती है सर, सेल्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है, दैट इज द स्ट्रिंगर मशीन। इसके अंदर आपको जो रॉ मटेरियल लगता है वो तीन तरह का रॉ मटेरियल, फर्स्ट सेल, देन रिबन, देन थर्ड इज फ्लक्स। ओके, तो अगर हम ठीक से समझें तो जो आपका सेल जो आया है वो ये है बेसिक, वे बेसिक इसको आपने चेक करके लाया, ये इस मशीन में जाएगा, ये कैसेट है, दैट इज अ 5 busbar सेल। अब भले ही वो मोनो हो मल्टी हो ये इसी हिसाब से जाएगा। यस, अब जैसा हम यहाँ पे 5 busbar देख रहे हैं तो ये हो गया कंपोनेंट नंबर 1। यस, कंपोनेंट नंबर 2 जो इसको जोड़ने के लिए आते हैं, यस, जो आपका सेकंड नंबर है जो फ्लक्स, हाँ फ्लक्स इसको जोड़ने के लिए काम में आती है, जो रिबन को आपके इसके कॉपर को इसके साथ टिन कॉपर को इसके साथ जोड़ती है। तो ये जो बेसिकली आपका जो फ्लक्स है वो बेसिकली क्या करता है, आपके जो कंपोनेंट है नीचे सिल्वर है, सिल्वर को और टिन कॉपर, टिन आपके कॉपर को
जोड़ने के काम में आता है। ओके, तो यानी कि वो जो स्प्रिंग्स हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं वो तीनों चीज़ यहाँ पे यहाँ होती है। यस, जैसे कि अभी आपके सामने हम ये सेल आपके सामने लोड करेंगे। हाँ। अभी बेसिकली क्या हो रहा है, हाँ। और जब सेल हमने लोड कर दिए यहाँ पे सेल लोड होने के बाद, हाँ। ये विजन सिस्टम है। विजन सिस्टम क्या करता है, आपका जो कैमरा है सीसीटीवी कैमरा है, ये हर सेल के लॉट ऑफ पैरामीटर्स इसके अंदर, फिंगर मिसिंग, रिबन क्रैक, माइक्रो क्रैक, एवरीथिंग दे कैन चेक। ओके, तो ये जो ऊपर जो हम कैमरा देख सकते हैं ये इस मशीन में, ये हर सेल को निकाल के दिखा रहा है और उसके अंदर के जितने भी पैरामीटर्स है उसको चेक कर रहा है, और जो सही है वो जाएगा आगे और जो गलत है वो आपको रिजेक्ट ट्रे में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन ट्रे भी, जैसा मैं देख सकता हूँ ये रिजेक्शन ट्रे है, तो ये रिजेक्शन ट्रे में चला जाएगा। और फिर इसमें क्या होता है, जब ये सेल यहाँ से चलता है तो सेल के ऊपर फ्लक्सिंग होती है सर, फ्लक्सिंग वो प्लग सेल के ऊपर हो रही है क्योंकि सेल के ऊपर ही अपने को रिबन चिपकाना है। ओके, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ से गया और ये एक साथ कम से कम तीन काम तो आपने बता दिए, तीन और साथ में ये चेक भी कर रहा है कि भाई ये चेक कर रहा है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, जो रिबन है वो वहाँ पे प्लेस हो रहा है। ओके, और अच्छा चलिए, ये यहाँ से चेक हो रहा है, वहाँ पे जाएगा कैमरा से पूरा यहाँ पे चेक हो रहा है उसके बाद। ओके, तो ये वाला पोजीशन आप बोले थे, हमारे पास ये फर्स्ट 5 बस बार वाला काम चल रहा है, तो 5 बस बार के ये पूरा इधर जाएगा, ये 5 बस बार का जो रिबन है कट होके एज पर पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग सेल के अकॉर्डिंग कट हो रहा है। अगर सेल का साइज वेरी होगा उसके अकॉर्डिंग रिबन की कटिंग जो पोजीशन है वो वेरी होगी। ओके, और इसके अंदर ये जो मशीन है इसकी USP क्या है, ये जो फ्रेम्स उठ रहे हैं तो फ्रेम जो आपका रिबन की विड्थ है दैट इज 0.9 mm, और जो आपकी बस बार की विड्थ है दैट इज 0.8 mm, तो इसकी प्लेसमेंट इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए, मिसअलाइनमेंट 0 होनी चाहिए। ओके, तो उसकी भी चेकिंग होती होगी। हाँ सर, उसकी चेकिंग होती है आगे। अच्छा, ये वाला पोर्शन क्या है सर? ये वाला है दैट इज द IR सोल्डरिंग, इंफ्रारेड सोल्डरिंग। और इसके अंदर जो टेम्परेचर है, जब आपका रिबन को सेल के साथ चिपकाना है, सोल्डर करना है, दैट इज टू मोर देन 190 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, डिपेंड ऑन सेल टू सेल एंड रिबन टू रिबन, तो वो 200-210, जैसे कि मोनो है, मोनो आपका 220-230 पे भी काम करता है, तो वो उसकी जैसे ही आपका टेम्परेचर वेरी करता है तभी सोल्डरिंग हो जाती है। ओके, तो मतलब कि ये मोटा मोटी ये कम से कम भी 8-10 स्टेप तो यही मशीन कर दे रहा है। Yes. आपका पहली बात तो आदमी का हाथ लग नहीं रहा है, एक्यूरेसी बराबर मेंटेन्ड है। Yes. आपका सीधा सेल से स्ट्रिंग तक पूरा यहाँ पे बन जा रहा है, पूरा बन रहा है, तो क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे आधे से ज़्यादा काम तो यही हो गया कि भाई जो रॉ मटेरियल है वो आपका टेस्टेड, ट्राइड, प्रूवन, सर्टिफाइड है। यस। तो यहाँ से अगर कोई अगर सेल में फर्स्ट अगर निकल गया, जैसे कि हम बात करते हैं ABC सेल की, अगर ये मशीन है जर्मन, ये बेसिकली क्या है, अगर बी सेल इसमें आएगा तो हल्का सा भी कलर वेरिएशन भी होगा तो वो कैमरा रिजेक्ट कर देगा, तो इसमें बी और सी सेल चलने का कंसेप्ट ही नहीं है, दैट इज ओनली। हाँ, तो दोस्तों मैंने गुरमीत सिंह सर से रिक्वेस्ट किया है कि भाई हम 2 रिजेक्टेड सेल्स को इसमें डालेंगे एंड लेट्स चेक कि भाई ये निकलता है कि नहीं निकलता है। हाँ सर। यस सर। तो ये इसमें क्या है, पहले क्या है, बहुत ही माइक्रो चिपिंग है। ओके, माइक्रो, ये नॉर्मली कैमरा पकड़ भी नहीं पाते लेकिन हमारे कैमरा की ये पकड़ है कि इस वाली चिपिंग को वो पकड़ेगा। ओके, चलिए लेट्स चेक, रियल में चेक करते हैं कि भाई वो रियल में कैसे होता है। ये स्पेशली हमारे लिए गया है, कैसेट हमने अंदर डाला, कैसेट वहाँ तक पहुँचा। हाँ, और अभी यहाँ पे देखिएगा रिजेक्शन होगा, अगर अच्छा है तो वो सीधा जंप करके वहाँ पे जा रहा है। ये रिजेक्ट। तो दोस्तों आपने देख लिया। हाँ, तो दोस्तों ये जो 4 सेल्स जो हमने यहाँ पे डाले थे, दिखाओ एक एक करके दिखाओ। हाँ, ये वाला हमने डाला था रिजेक्शन, यहाँ पे चिप है, यहाँ पे चिप था इसलिए रिजेक्ट हो गया, कैमरा ने पकड़ लिया। फिर दूसरा यहाँ से ये भी टूटा हुआ है तो ये भी कैमरा ने पकड़ लिया, आगे नहीं जाने दिया। यहाँ पे भी माइक्रोचिप है, हाँ, कॉर्नर टूटा हुआ है, ये भी आगे से रिजेक्ट हो गया। फिर उसी तरह
यहाँ पे भी आगे से चिप है, ये भी रिजेक्ट हो गया। और फिर ये वाला तो यहाँ से पूरा ही पूरा कटा हुआ है, टूटा हुआ है, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो अल्टीमेटली गुरमीत सिंह जी ये समझा जाए कि भाई जो हमने ये डाला था, हाँ देखिए ये हमने मोड़ डाला था, ये भी इसने रिजेक्ट कर, मतलब ये खुली आंख से तो दिखेगा नहीं, टूटा नहीं है, लेकिन एकदम जो भी है ये डिफेक्टिव पीस है, स्क्रैच है, दैट वाज अ स्क्रैच। ओके, तो गुरमीत सिंह जी मोटा मोटी अगर हम ये समझे कि भाई इस मशीन ने स्टेज वन के सारे पैरामीटर्स क्लियर करिए और आपको माइक्रो सेकंड, हाँ वो भी माइक्रो सेकंड्स में 2100 आपने बोला ना, 2100 आवर्स में, ये पर जिसमें 3 मिली सेकंड भाई 3 सेकंड का टाइम है, 3 सेकंड में एक सेल को चलाती है। तो सर ये तो हो गया स्टेज वन, आपने एकदम टेस्टेड ट्राइड प्रूवन सेल्स अभी आगे गए, अब इसके बाद क्या होगा? अभी ये क्या कर रहा है सर, अभी अपन ने क्या किया, जो अपनी अपना डिजायर मॉड्यूल है, जैसे कि अभी जो मॉड्यूल बन रहा है दैट इज 72 सेल, तो अपने उसमें क्या बन रही है 12 की 6 स्ट्रिंग बराबर, तो ये क्या कर रहा है 12 की स्ट्रिंग को बना रहा है। ओके, ठीक है, उसके बाद ले आप उसको प्लेस कर रहा है, तो ये 12 की स्ट्रिंग को प्लेस कर बना रहा है। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 12 की, तो फ्रेंड्स ये ऐसा है कि भाई जैसा आप सबको मालूम है कि भाई हमें जो मार्केट में मॉड्यूल्स मिलते हैं वो 60 सेल के मिलते हैं, 72 सेल्स के मिलते हैं, तो जो स्ट्रिंग्स वाली बात हो रही है वो वही हो रही है, 12 के 6 10 के 6 नहीं 10 के 6 हाँ और 9 के 4 हाँ, ये सब जैसा जैसा आपके मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से मॉड्यूल्स बनते हैं, भले ही वो मोनो हो मल्टी हो। और हाँ सर, कट सेल भी तो है और बाइफेशियल भी है, कट सेल भी है, कटसेल भी इसी सेटअप पे चलता है, लेकिन उसके लिए कुछ सेटअप चेंज करना पड़ता है। ओके, तो उसमें सेम जो सेल है उसको आधा कट करके एंड वो आगे चले जाता है, और उसी तरह बाइफेशियल रहता है, बाइफेशियल का भी इसी मशीन में चलता है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि भाई यहाँ से जैसा मार्केट की रिक्वायरमेंट है या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे 12 का 10 का 10 का 9 का ऐसे ऐसे स्ट्रिंग्स बना के ये जा रहा है। तो ये जो हम दूसरी मशीन देख सकते हैं ये एक्चुअली में क्या है सर? दैट इज, ये क्या है सर, अभी जो हमने स्ट्रिंग बनी वो हमारा जो सनी साइड है दैट इज अप साइड, अभी हम फ्लिप कर रहे हैं उसको डाउन साइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें सनी साइड डाउन साइड चाहिए, क्योंकि हमारा ग्लास नीचे है, जो फ्रंट साइड है वो नीचे है, तो ये क्या कर रहा है आप उसको सनी साइड को अप डाउन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे भी कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई हाथ वाथ नहीं लगा रहा, एक बार आपने कैसेट वहाँ से डाला सीधा यहाँ तक, बिना अभी किसी ने हाथ नहीं लगाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 12 की स्ट्रिंग जो है वो फ्लिप हो रही है, देखिएगा 12 की स्ट्रिंग को ये फ्लिप कर रहा है। ओके, चलिए ये जो मशीन है ये क्या कर रही है, ये दैट इज द अदर मशीन इज लेअप, ये लेअप मशीन क्या कर रही है, आपकी 6 जो स्ट्रिंग्स बनी 12 की 6 वो 1x1 प्लेस कर रही है ग्लास और ईवीए के ऊपर। अच्छा, और तो अभी 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 हम एक एक करके चलते हैं सर, उससे पहले तो ग्लास भी आ गया, पहले ग्लास को समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है ग्लास, यहाँ पे हम ग्लास और ईवीए लोड करते हैं। ओके, तो सर अभी तक तो हमने देख लिया भाई वहाँ से स्ट्रिंग बन गया और यहाँ पे लेवी हो वहाँ बन गया, हाँ तो उसके बाद अब ये जितना भी स्ट्रिंग्स बन गया अब ये तो जाएगा अपने ग्लास के ऊपर, ग्लास के, तो जरा इस ग्लास के ऊपर बताएंगे कि इस ग्लास की क्या खासियत है और क्या इसमें खास बात है। सर बेसिकली ये जो ग्लास है 3.2 mm का है, ये टफन ग्लास है विद टेम्परिंग, मगर 1000 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परिंग होता है, तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अदर अगर, और दूसरी हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए और सेकंड चीज़ चाहिए ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये दोनों हम ये टफन ग्लास से प्रोवाइड करते हैं। देन हमें जो वो है आपके सेल्स है उसको इसके ऊपर मेल्ट करना है, मतलब चिपकाना है, तो उसके लिए हमें पॉलीमर मतलब प्लास्टिक मटेरियल चाहिए, तो दैट वी आर यूजिंग ईवीए एथिलीन लाइन एसीटेट, ठीक है, इस मटेरियल को हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, आपके पूरे सेल्स को लेमिनेट कर देता है, ग्लास के साथ इसको एडहेसिव कर देता है, एडहेसिव कर, अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ये जस्ट लाइक लेमिनेशन, लेमिनेशन इनकैप्सुलेशन, जैसे कि इनकैप्सुलेशन मटेरियल है ये इनकैप्सुलेट कर देता है। ओके, ये आपके सेल्स को एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो अभी जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं तो ये वो स्टेज है जहाँ पे आपका जो लोगो और एक बारकोड भी मैंने देखा, सीरियल नंबर जो है वहाँ पे प्लेस करते हैं, प्लेस हो गया। यस, और यहीं पे आरएफआईडी भी प्लेस हुआ है, आरएफआईडी हम सब यहाँ पे भी प्लेस करते हैं और आगे भी प्लेस करते हैं एज पर डिपेंड क्या क्या रहता है। अभी जैसे
तो ये है वो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको सीरियल नंबर एक दे दिया है ताकि हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड रख सके। और हम ये जो ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं उसमें कौन सा सेल यूज हुआ, कौन सा ग्लास यूज हुआ, कौन सा रिबन यूज हुआ, एवरी रिकॉर्ड यहीं से हम मेंटेन करते हैं। यहाँ से हम इसको एक सीरियल नंबर दे देते हैं, असाइन कर देते हैं, नामकरण हो जाता है। यस यस, असाइन कर देते हैं। ओके, अच्छा सर, इसमें जो आपने जो ईवीए शीट बता रहे हैं, ये सामने बाजू ये शीट और एक बैक शीट में भी लगती है, तो इसमें भी फर्क होता है? यस सर, बैक शीट इज अ डिफरेंट थिंग, और जो ईवीए है वो अलग है, ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। नहीं, ये सामने और पीछे बाजू वाले, हाँ दोनों दोनों अलग अलग है। जो फ्रंट वाली है वो ट्रांसपेरेंट रहती है सर, जो बैक वाली है वो रिफ्लेक्टिव रहती है। ओके, तो ऐसा नहीं मतलब कि दोनों एक ही जगह, दोनों एक जगह नहीं सर, पहले जो बिफोर दैट मतलब 2008 2009 में यूज करते थे तो दोनों सेम यूज करते थे, लेकिन अभी हमने सीटीएम लॉस कम करने के चक्कर में उसको क्या किया है कि बैक वाली अलग और फ्रंट वाली अलग। ओके, तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ से उसका नामकरण भी हो गया, उसके बाद ये जाएगा मशीन के अंदर वापस, जो आपकी ये स्ट्रिंगर मशीन ने जो स्ट्रिंग्स बना के लाए थे 6-6 के, हाँ नहीं 12-12 के 6 स्ट्रिंग को प्लेस किए, वो वहाँ पे वो प्लेस कर देगा। यस, ठीक है, तो वहाँ पे वो प्लेस हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, तो अब ये जो स्टेप वहाँ से हमने देखा कि भाई वहाँ से ग्लास हो गया, ग्लास के बाद सेल्स अपने स्ट्रिंग्स, एक एक स्ट्रिंग आ गए। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं तो टोटल 6 स्ट्रिंग आपकी प्लेस हो गई। ओके, 6 स्ट्रिंग्स प्लेस हो गई। अब हम इस वाले स्टेज में क्या हो रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ टेपिंग लिखा हुआ है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हम टेपिंग कर रहे हैं। बेसिकली टेपिंग क्या कर रहे हैं, जब हम मॉड्यूल्स को लैमिनेट करते हैं तो बेसिकली जो आपका पॉलीमर ईवीए मटेरियल है तो वो पूरा मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होते टाइम वो बाहर की तरफ जाता है, क्योंकि उसके फ्यूम्स है वो बाहर की तरफ जाता है, तो बाहर की तरफ जाता है तो वो स्ट्रिंग्स के गैप्स को वो डिस्टर्ब करता है, तो वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम वी आर यूजिंग टेप। ओके, मतलब कि एक कहा था कि अलाइनमेंट बराबर कर रहे हैं, वो विजुअल इंस्पेक्शन के फिर आगे रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे एक फिक्स लेवल पे जो हमारी ड्राइंग्स है उसके अकॉर्डिंग हम टेप्स लगाते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया, और ये फिर जैसा हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ से फिर वो आगे जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा ये बसिंग, अब ये बसिंग में क्या हो रहा है? बसिंग में क्या कर रहे हैं सर, अब हमने मॉड्यूल्स तो बना दिया, स्ट्रिंग तो बना दी, स्ट्रिंग्स को अब अपने को कनेक्शंस निकालने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन टू टर्मिनल्स फॉर बाईपास, बाईपास डायोड, तो हम उसकी जो कनेक्शंस है वो प्रॉपर कर रहे हैं, मतलब आपके पूरे मॉड्यूल को अपन सीरीज में जोड़ रहे हैं। सर ये जो सीरीज का कॉन्सेप्ट है जरा एक बार बता देंगे कैसे? जैसे कि ये आपकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है दैट इज नेगेटिव साइड, सेकंड स्ट्रिंग इज पॉजिटिव साइड, देन थर्ड इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ से नेगेटिव से लेते हुए लास्ट में आता पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो 72 के 72 सेल को हम सीरीज में जोड़ रहे हैं। ओके, और इसमें ऐसा भी है ना पॉजिटिव नेगेटिव है? हाँ, वो तो है, हर एक सेल का एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अब हम सर हर सेल को जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो तो स्ट्रिंगर ने कर दिया, आपके 12 सेल को, बाकी आपकी 12 सेल की जो स्ट्रिंग बनी दैट इज अ 6 वोल्ट, एक एक स्ट्रिंग का वोल्ट है 6, आपकी 6 स्ट्रिंग है टोटल वोल्ट हो गया 36 वोल्ट, तो अब हम 36 को पूरा सीरीज में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो है बसिंग मतलब कि पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव अपने को टर्मिनल्स निकालने हैं। तो यहाँ से ये सिर्फ ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपका मैनुअल में आप ये सेटअप हो रहा है। यस, सेटअप हो रहा है। ओके, अब उसके बाद सर बसिंग के बाद हम यहाँ पे दो LI कनेक्ट करते हैं, 4 टर्मिनल्स निकल गए, दो टर्मिनल इंपॉर्टेंट है दैट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो दो टर्मिनल है दैट इज फॉर बाईपास डायोड। ये क्या क्यों लगाते हैं, बाय चांस अगर मॉड्यूल पे शेडो आ गई तो पूरा मॉड्यूल आपका जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होता है अगर उसके 50% पे भी शेडो आ गई तो आपका 50% मॉड्यूल वर्क करे, इसलिए क्योंकि आपके मॉड्यूल जो रहते हैं फील्ड में वो सीरीज में रहते हैं, अगर आपका एक भी मॉड्यूल इंटरप्ट हुआ तो आपका पूरा सीरीज बंद हो गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं पूरे मॉड्यूल्स को सीरीज में करने के लिए अगर वो बाईपास डायोड लगाते हैं तो वो क्या 50% मॉड्यूल रनिंग में रहता है। जी, अच्छा सर, एक और आगे बढ़ने से पहले हैं यहाँ कि ये जो हमने सुना है PID LID और ये सब, ये इनका कहाँ पे होगा? सर PID बेसिकली हम क्या, PID तो हमने एक टेस्ट भी करवा रखा है, PID पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेशन, ये हम क्या है जो EVA है जो आपके सेल के नीचे नीचे वाले पोर्शन है, पहले तो सेल PID फ्री होना चाहिए, EVA जो है
पीआईडी फ्री होनी चाहिए, ये दोनों जो है पीआईडी फ्री होने चाहिए। ओके, ठीक है। देन उसके बाद एक थर्ड एजेंसी से एक टेस्ट होता है पीआईडी टेस्ट, वो हम पीआईडी टेस्ट टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं, ठीक है। और हम इंश्योर करते हैं जो एलआईडी है, एलआईडी क्या करते हैं, हम इन हाउस सन सोकिंग टेस्ट करते हैं। उस सन सोकिंग में क्या करते हैं, मॉड्यूल्स को सन सोक में रख देते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए कि लाइट इंड्यूस डिग्रेशन नहीं, मतलब कि कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो वाटे जा रही है 335, लाइट के आने के बाद, मगे रेडिएशन होने के बाद जब मॉड्यूल फील्ड में लगे वो भी आपका सेम आना चाहिए, दैट इज द एलआईडी फ्री। अब वहां तक आ गया, और यहां आने के बाद फिर हम वापस हम एक ईवीए शीट पीछे डालेंगे। यस सर, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बैक शीट ईवीए लेअप, ठीक है। अभी हमने जो कनेक्शंस निकाले थे ये शॉर्ट ना हो जाए, इसके बीच में हम एक इंसुलेटर लेयर डालते हैं, दैट इज द इंसुलेटर लेयर। अच्छा सर, ये जो शीट आपने बताई थी उसको इंसुलेटर, ये इंसुलेटर में हम क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। यहाँ पे नोसिस की ब्रांडिंग आ गई, देन हियर इज आरएफआईडी टैग, ये आरएफआईडी की आरएफआईडी टैग एंड देन सीरियल नंबर। ओके, और ये जो हमने ग्लास जब लिया था तब जो हमने सीरियल नंबर डाला था वही सीरियल नंबर है ना? यस सर, वही सीरियल नंबर हमने आगे प्लेस करना है। वो आपने आइडेंटिफाई कर दिया था कि ये मॉड्यूल इसी सीरियल नंबर पे जाएगा, देन जो भी हमने मॉडल नंबर है, ईयर है, ये एज पर वीआईएस नॉर्म्स जो बोलता है वो सारी चीज हम डिफाइन करते हैं यहाँ। ओके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसके बाद जो चलेगा वो बैकशीट लगेगी, इसके बाद ईवीए लगेगा। सबसे पहली जो लेयर है दैट इज ग्लास, देन सेकंड लेयर इज ईवीए, देन थर्ड लेयर इज, तो ये वाली जो शीट है ये जो आपने बोला था डिफरेंट है, पीछे वाली जो ईवीए शीट है ये अलग है, अलग है। यस, ये थोड़ी सी थिक है, नहीं बहुत थिकनेस आर सेम सर, बहुत थिकनेस सेम है, बट इसकी दोनों का काम अलग है। आगे वाली एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट है और बैक वाली थोड़ी सी कम ट्रांसपेरेंट है और रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है। अच्छा, तो ये है ईवीए बैक शीट। हाँ, दिस वन इज द बैक शीट। इसकी कुछ खास बात? हाँ सर, ये भी बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है इस पूरे मॉड्यूल में, देयर इज अ थ्री लेयर बैक शीट। जो फर्स्ट लेयर है सर वो आपकी रिफ्लेक्टिविटी का काम करती है, जो सेंटर लेयर है जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है दैट इज द पैट, दैट इज द इंसुलेटर लेयर। क्योंकि ये क्या होगा, 1500 वोल्ट पे जब हम ये मॉड्यूल्स को लगाएंगे तो क्या होगा, उस टाइम पे अगर किसी ने आपके नेकेड हैंड से उसको टच कर लिया तो उस टाइम पे उसको शॉक नहीं लगना चाहिए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या इंसुलेशन लेयर यूज करते हैं। और जो लास्ट लेयर है वो इंसुलेटर लेयर को प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से। ओके, मतलब कि एक कह दिया जाए कि भाई एक अच्छे मॉड्यूल को बनाने के लिए एक अच्छा ईवीए और अच्छा बैक शीट, अच्छा बैक शीट, सब कुछ एक नंबर का होना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा। और जो आप हमारे दिखाने वाले हैं कि भाई ये बीआईएस सर्टिफाइड है, तो ये जितने भी मॉड्यूल हम देख रहे हैं इन सबके ऊपर बीआईएस सर्टिफिकेशन है। यस सर, बीआईएस के तीन बेसिक सर्टिफिकेशन है, 61215, 617301 एंड 617302। तो ये तीनों इस स्टेज के बाद ये लैमिनेशन के लिए रेडी हो गया। अभी जो भी करना है वो यही कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है सर, काफी सारा मैन इंटरफेरेंस था क्योंकि इन्होंने बसिंग की, देन आफ्टर इन्होंने लेअप किया, तो इसको हम सेव करने के लिए एक मशीन है, दैट इज ईएल मशीन। तो सर ये जो है अभी तक जितना भी हमने बनाया वो हमने सही बनाया कि नहीं बनाया वो ये देखता है, हमारा सेल सेलेक्ट होके आ गया, जितने भी उसके कंपोनेंट्स है वो भी हमने टेस्टेड टाइट वेंडर से लिए, और स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग बनने के बाद हमने उसका पूरा बस जो बसिंग था वो भी कर लिया और लेअप भी कर लिया। अब ये चूंकि अब ये लैमिनेशन के लिए रेडी है, तो उससे पहले ये क्या हो रहा है? हाँ सर, अभी क्या हुआ, हमने जो बसिंग किया वो भी मैन पावर ने किया, तो मैन पावर इंटरप्शन थी, तो मैन पावर की इंटरप्शन को खत्म करने के लिए, मींस के मैन पावर से कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, अगर उनका थोड़ा प्रेशर ज्यादा लग गया, बिकॉज जो सेल है वो दैट इज द 180 माइक्रोन, बहुत ही ब्रिटल है, तो उसको कहीं प्रेशर ज्यादा हो गया, टेपिंग करते हुए प्रेशर ज्यादा हो गया, बसिंग करते हुए प्रेशर ज्यादा हो गया, तो उस टाइम पे वो माइक्रो क्रैक जनरेट हो सकते हैं। तो अभी ये क्या कर रही है ईएल मशीन, क्या कर रही है, दैट इज द 4+4 कैमरा, ईएल प्लस विजुअल। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक्सरे इमेज एंड द अदर इमेज इज द विजुअल इमेज। ओके, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि भाई कहीं में, मतलब यहाँ तक कहीं कुछ अगर गड़बड़ है तो वो यहाँ पे ठीक हो सकता है। यस, अगर इसके बाद, क्योंकि लैमिनेशन है, लैमिनेशन के बाद फिर सर उसको कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? तो यहाँ पे सब कुछ अलाइनमेंट दिखी गई, क्रैक दिखे गए, सबका वो चीज देख लिया, और ये सब कुछ कैमरा के थ्रू ऑटोमेटिक हो रहा है। सर मोटा मोटी कह दिया है कि भाई ये एक्सरे हो गया, एक्सरे हो गया। और इसके बाद, मतलब इस मशीन की खासियत है, इसके बाद आपका जो भी मॉड्यूल जाएंगे दैट इज द जीरो रिजेक्शन,
ओके, अगर रिजेक्शन होगी इससे पहले पहले होगी, हाँ, इसके बाद जो भी जाएगा दैट इज अ जीरो रिजेक्शन। ओके ओके, तो सर ये जो है ये इसके अंदर ये चारों कैमरा लगे हुए हैं, एक कैमरा 4+4 एट कैमरा, और ये मॉड्यूल है हाँ जिसका हम लोग देख रहे हैं। अच्छा सर, अभी तक तो हमने देख लिया कि भाई ये सब हो गया, अब यहाँ से हमको जैसे दिख रहा है कि भाई ये ईएल टेस्टिंग यानी कि लैमिनेशन से पहले जो आखिरी बार टेस्टिंग हो सकती थी वो सब कर लिया, अब इसके बाद जाएगा ये लैमिनेशन पे। लैमिनेशन से पहले जो करना है कर लो, उसके बाद कुछ भी गुंजाइश नहीं बैठती। तो जैसा ये हम देख रहे हैं सर, ये क्या एक साथ ये बफर है सर? ओके, बेसिकली क्या है ये टैग टाइम अचीव करने के लिए है, बिकॉज उसको लैमिनेटर को थोड़ा हीटिंग में टाइम लगता है, तो उस टाइम को रिसॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमने बफर सिस्टम लगाया हुआ है, ताकि अगर बाई चांस उसमें अगर कोई ब्रेक डाउन आ जाए तो उस टाइम पे हम इसको 20 मॉड्यूल का ये बफर सिस्टम है। ओके, तो मतलब इसको एक मतलब स्टॉकिंग टाइम रख ले कि भैया ये यहाँ पे एक साथ देयर आर स्टोरेज, यहाँ से वहाँ तक की लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद वाला एक और लाइन और होगा, इसको जो साइकिल टाइम है उसको मेंटेन करने के लिए। ओके, अच्छा गुरप्रीत जी, अब जैसे यहाँ पे बफर टाइम, ये बफर सेक्शन था, और यहाँ से फिर अब हम जैसे ये लैमिनेशन की मशीन देख सकते हैं, यहाँ पे एक साथ चार चार का लॉट जा रहा है। हाँ, चार चार का लॉट है। कई जगह पे मैंने देखा था कि वहाँ पे एक सिंगल सिंगल मैनुअली होता था, तो उस वाली मशीन में, इस वाली मशीन में, और ये मशीन में बेसिकली हो क्या रहा है इधर बताएंगे? ये सर बेसिकली जो पहले मशीन होती थी, हाँ, उसे हम नोटबुक लैमिनेटर बोलते थे। ओके। जो नोटबुक लैमिनेटर में क्या होता था, आपको मैनुअल ही डालना पड़ता था मॉड्यूल, और मैनुअल ही निकालना पड़ता था। उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, जब आप मैनुअली डाल रहे हैं तो मॉड्यूल में क्या है, बहुत छोटे छोटे कॉम्पोनेंट, आपका सेल सबसे क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है, तो सेल के अगर ऊपर जर्क आ गया, हल्का सा भी वो वाइब्रेट हो गया, तो उस टाइम पे माइक्रो क्रैक जनरेट हो जाएंगे। इसीलिए आपने बहुत सारे मशीनों में देखा होगा कि जो हमने अभी यहाँ पे बेल्ट सिस्टम लगाया, पहले यहाँ पे रोलर सिस्टम हुआ करते थे, जो पुरानी मशीनें थी उसमें रोलर हुआ, तो रोलर से भी जर्क आता था, तो इसलिए अभी क्या कर दिया, आप देखेंगे जर्क लेवल बिल्कुल जीरो है। अभी आपने इनपुट पे देखा, आपका पूरा एक प्लेन सरफेस है, ताकि आपके मॉड्यूल को बिल्कुल जर्क ना लगे। और ये अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट इज टू स्टेज लैमिनेटर, और ये जो लैमिनेटर दैट इज टू स्टेज लैमिनेटर। अभी टू स्टेज मतलब क्या, मतलब दो स्टेजेस में लैमिनेशन होती है मॉड्यूल्स की। फर्स्ट स्टेज में क्या होती है सर, पोलराइजेशन, जिसे हम वैक्यूमिंग स्टेज बोलते हैं, वैक्यूमिंग प्लस पोलराइजेशन। दूसरी स्टेज में होती है आपकी प्रेसिंग, देन वैक्यूमिंग दोनों में ही चलती रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब आपकी ईवीएम मेल्ट होती है, हाँ, तो उसके अंदर उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो फ्यूम्स है, हाँ, वो सारी फ्यूम ये सक करता है वैक्यूम, वैक्यूम पंप, तो वो बाहर निकाल देता है। अगर बाय चांस अगर एक भी क्रिटिकल कंपोनेंट, कोई भी फ्यूम्स अगर उसके अंदर रह गई, इंजर्ट रह गई, तो उसमें बबल्स आने के चांसेस हैं, और अगर बबल आ गया दैट इज अ वेस्ट, यस दैट इज अ वेस्ट ऑफ मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम एक साथ ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम एक साथ चार चार मशीनें, चार चार मॉड्यूल्स डाल रहे हैं, और चारों को, और अंदाजन इसमें कितना टेम्परेचर और कितना टाइम लेते हैं सर? अभी जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज द 135 डिग्री सेल्सियस, जो स्टैकिंग स्टेज है वो अप्रॉक्स 140 डिग्री सेल्सियस रहती है। ठीक है, टाइमिंग जो है वो 7.5 मिनट का है, मगर 7.5 मिनट के बाद हमें बैच टू बैच मिलता रहा, चार चार मॉड्यूल का बैच मिलता रहता है। ओके, तो चलिए अब यहाँ से ये गया लैमिनेशन मशीन में, और यहाँ से अब इसके बाद के बाकी के जो पैरामीटर्स हैं उसको चेक करते हैं, वो भी देखते हैं। अभी देखिए, तो ये चार मॉड्यूल सब हो जाएंगे, अभी ये तीसरा है, देन फोर्थ आर आल्सो लोड हियर। तो यहाँ पे जितना भी मॉड्यूल के अंदर जो भी रखना था, आपका ब्रांडिंग, आपका RFID कोड, आपका ये जो स्टिकर था, ये सब उसके अंदर रख दिया। तो दोस्तों, अभी तक जो आपने देखा वो था स्टेज 1। स्टेज 1 यानी कि आपने खुद देखा कि भाई कैसे सेल्स का सिलेक्शन होता है, यानी कि सेग्रीगेशन होता है ABC, या जो ख़राब सेल्स होते हैं वो कैसे बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद वो उस मशीन यानी कि जो स्ट्रिंगर मशीन ही बराबर बाकायदा जितने का भी स्ट्रिंग बनाना होता है, भले वो 10 का हो या 12 का हो या 9 का हो, जिस साइज़ का स्ट्रिंग बनाना होता है वो स्ट्रिंग वही स्ट्रिंगर मशीन बना के देती है, और उसके बाद वो स्ट्रिंग्स जाते हैं सीधे सीधे लेआउट के लिए, यानी कि जो मॉड्यूल का जो शीशा होता है उसके ऊपर पहले EVA शीट लगती है, और उसके बाद ये जो स्ट्रिंग्स जो बन के आई होती हैं उनको ले किया जाता है। साथ ही में आपने ये भी देखा कि भाई जब ये ले हो जाता है, उसके बाद आपका आता है
टेपिंग का सेक्शन जहाँ पे उसको प्रॉपर अलाइनमेंट दिया जाता है। अलाइनमेंट के बाद उसके बाद उसकी बसिंग होती है। बसिंग के बाद वापस एक पीछे से ईवी शीट डाली जाती है और साथ ही में वहाँ पे बैक शीट भी डाली जाती है। और ये सब स्टेज कंप्लीट करने के बाद आपका मॉड्यूल जाता है ईएल टेस्ट के लिए, यानी कि प्री ईएल टेस्ट होता है। यहाँ पे देखा जाता है कि भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी तक जितना भी प्रोसेस है, यानी कि स्टेज वन के अंदर जितना भी प्रोसेस किया गया, जहाँ पर भी हाथ लगाया गया, उसके कारण कहीं सेल्स या मॉड्यूल्स जो आगे जाके बनने वाले हैं या जो लैमिनेट होने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। तो ये होता है प्री ईएल टेस्ट। और ये जो स्टेज क्लियर करता है, वो वाले मॉड्यूल्स जाते हैं लैमिनेशन मशीन में। तो दोस्तों, ये था पूरा स्टेज वन। यहाँ पे आपने देखा कि भाई कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसको चेक किया जाता है और कौन कौन से पैरामीटर्स देखने होते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि भाई जो भी दिक्कत होगी या जो भी चेंजेस करने हैं, वो आप लैमिनेशन से पहले ही कर सकते हैं। क्या है कि एक बार लैमिनेशन हो गया तो उसके बाद कुछ भी गुंजाइश नहीं रहती है। एक और बार बता देता हूँ, एक बार लैमिनेशन हो गया तो मॉड्यूल्स में कुछ भी गुंजाइश नहीं रहती है। जो भी बना, आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है। अब बारी आती है लैमिनेशन होने के बाद फ्रेमिंग, विजुअल इंस्पेक्शन, सन सिमुलेटर टेस्ट और उसके बाद पोस्ट ईएल टेस्ट, ये भी होता है। तो दोस्तों, ये वाले स्टेजेस भी हम आपको दिखाने वाले हैं, बट उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे हमने इस वाले वीडियो की तरह ही हमने एक एक स्टेप को पूरी तरह दिखाया है, समझाया है। और मुझे यकीन है कि आपको ये वाला वीडियो भी बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और साथ ही में इन मॉड्यूल्स में लगने वाले कंपोनेंट्स की टेस्टिंग कैसे होती है, कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें चेक किया जाता है, उसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला वीडियो देखिएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई मॉड्यूल से रिलेटेड ही हमने इस चैनल के ऊपर कम से कम भी 8 से 10 डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं। मॉड्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, बाईफेशियल मॉड्यूल्स क्या होता है, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, तो इन सब के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस हैं। और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने उन सब वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, अगर आप सही में अच्छा, रिलायबल, टेस्टेड, ट्राइड, सर्टिफाइड मॉड्यूल्स चाहते हैं, तो आप इन पैरामीटर्स को ज़रूर देखिएगा। और ख़ास बात यह है कि भाई आप सर्टिफिकेशन ज़रूर देखिएगा। आज की डेट में BIS सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, तो आप ये देख लीजिए कि भाई उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डेटा शीट में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिससे भी आप मॉड्यूल खरीद रहे हैं। और साथ ही में उनका सर्टिफिकेशंस भी आप या तो आप उनकी वेबसाइट से उतार सकते हैं, या आप उनके मॉड्यूल्स के ऊपर भी देख सकते हैं कि भाई उसमें कौन कौन से मार्किंग लगी हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक सही मॉड्यूल का सिलेक्शन कर पाएंगे। और जो भी प्रोसेस हमने आपको दिखाया, आशा करता हूँ कि भाई वो आपको सही में अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। और हाँ, आप में से जिन लोगों को इस प्रोडक्ट या इस मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, तो उसके लिए मैंने ये स्क्रीन पे उनका नंबर दे रखा है। आप ये मैन्युफैक्चरर से इनके पूरे प्रोडक्ट के पूरे रेंज निकाल सकते हैं और उनके साथ आपके क्या टर्म्स कंडीशन हो सकते हैं, आप भी डायरेक्टली उनके साथ फ़ोन करके या मेल करके ये सब पूछ सकते हैं। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उसे दबाते ही आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। और साथ ही में मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो मेंबर नहीं बनना चाहते हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं। आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन्जॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।